हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो इंग्लिश का लेक्चर 2 है। कल आपने एक वीडियो हमारी देखी थी जिसमें हमने एक स्टोरी डिस्कस करी थी। आज फिर से एक स्टोरी लेके आए हैं, माइंड को रिलैक्स कर देगी। ठीक है, क्या क्या करेंगे वो देखेंगे। माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता, आप देख सकते हो। स्टोरीज हम पढ़ेंगे और क्लोज टेस्ट करेंगे। जैसे हमने कल डिस्कस किया, माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा, काफ़ी हैवी माइंड हो गया मेरा भी पूरे दिन वर्क करने के बाद, तो वो डिस्कस करेंगे। पैराजंबल सेंटेंसेस को करने का तरीका थोड़ा सा देखेंगे। धीरे धीरे करके हम इन सिचुएशन जो एग्ज़ाम में होंगी उसको फेस करने लायक बन जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। आई ऑलरेडी स्कोर्ड गुड मार्क, डिसेंट मार्क्स। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में मेरे बारे में। ठीक है, बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ बता दूँ कि इससे हमें फ़ायदा क्या होना है। इससे कुछ तो हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, कुछ हमें मॉडल या फिर टेंस इन सब का आइडिया लगेगा और हमारी स्पोकन भी अच्छी होगी। ठीक है, और एक लास्ट में हम मॉरल भी सीखेंगे लाइफ के। ठीक है, तो आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज हैं, डेली 10-20 मिनट की एक वीडियो रहा करेगी इंग्लिश की। इन अ फील्ड वन समर्स डे, ठीक है, अ ग्रास होपर वॉज होपिंग अबाउट। तो ग्रास होपर जो होता है होप करता है, होप यानी जंप लेता है छोटी छोटी। ठीक है, या 3 जंप ले ली एक बार में, 4 जंप ले ली, इस टाइप का रहता है। ठीक है, चिरपिंग एंड सिंगिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट। अब देखिए, कल हमने एक क्लोज टेस्ट में पढ़ा था हार्ट्स कंटेंट, मतलब जी भर के हमने करा था ना कि उसने ड्रिंक ली हार्ट्स कंटेंट। तो ये फ्रेजल ये जो है क्लोज टेस्ट में भी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर अगर ये ब्लैंक रहता तो आप भरना होता था, आप पहचान जाते अगर आपने स्टोरीज या रीडिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो। ठीक है, तो हार्ट्स कंटेंट मतलब जी भर के कुछ भी चीज़ कर लेना। तो ये गाना गा रहा था अपना मन भर के। एन आंट पास्ड बाय, अब यहाँ से पास्ड बाय एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ। पास्ड बाय फ्रेजल वर्ब है, पासिंग बाय मतलब कि कोई चुपके से निकल जाए विदाउट हम उसे रिकॉग्नाइज ना कर पाए। ठीक है, तो इसने कर लिया बी, और जो आंट जा रही थी, चीटी जा रही थी बेरिंग अलोंग विद। ठीक है, बेरिंग अलोंग विद मतलब उसके साथ साथ, इन एडिशन टू क्या कर रही थी वो, एन ग्रेट विद एन ग्रेट एफर्ट एन ईयर ऑफ कॉर्न। तो ये क्या कर रही थी, अपने साथ मक्के का वो लेके जा रही थी छोटा दाना। ही वॉज टेकिंग टू द नेस्ट, तो ये क्या अपने घोंसले में लेके जा रही थी जो अंट बनाते हैं। तो अब क्या हुआ उसके बाद, वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, ग्रास ऊपर ने बोला क्यों नहीं आ जाते मेरे साथ बैठ के बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मॉयलिंग अवे। टॉयलिंग एंड मॉयलिंग का मतलब होता है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है हार्ड वर्क। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, जैसे हम आपके लिए टॉयल एंड मॉयल कर रहे हैं और आपको भी करना अपने लिए टॉयल एंड मॉयल। ठीक है, आई एम हेल्पिंग टू ले अप, अब देखिए ले अप का मतलब होता है स्टोर करना फूड, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपकी रीडिंग पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते जाना। आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर, ठीक है, अब खाना जमा कर रही है विंटर के लिए। एंड रिकमेंड यू टू डू द सेम, जैसे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना कि भाई पढ़ाई कर लो, ऐसे चीटी ने बोला बेटा कर ले, खाना जमा कर ले, मैं भी आपको बोल रहा हूँ बेटा पढ़ ले, अभी टाइम है, मैं भी आपके लिए ही पढ़ रहा हूँ ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, पूरा मटेरियल देख के छांट के पढ़ना पड़ रहा है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। वाई बॉदर अबाउट विंटर सेड द ग्रास ओपर, तो ग्रास ओपर जो है वो स्टूडेंट की तरह कह रहा है अभी तो आने दो, देखेंगे फॉर्म निकला है अभी तो। ठीक है, अभी तो आने दो सर्दियाँ। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, हमारे पास बहुत खाना है अभी। ठीक है, एट प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ लगा ना अभी की बात हो रही है, वी हैव गॉट। ठीक है, ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट, ये ऐसा परफेक्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट, वी हैव गॉट। ठीक है, ये और ये है, ये क्या हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड। तो थोड़ा थोड़ा टेंस भी समझाता जाऊंगा जो इंग्लिश में पुअर है और वीक है, और जो अच्छे हैं वो स्टोरी से माइंड रिलैक्स कर सकते हैं। बट द आंट वेंट ऑन इट्स वे, बट चीटी करती गई जैसे हम करते जा रहे हैं आपके लिए, एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल। ठीक है, When the winter came, जब आई सर्दी, जब आया एग्जाम, winter came, ठीक है, the grasshopper found, अब देखिए लिखने का स्टाइल देखिए, आप बोल भी सकते हो, कभी आपको स्टोरी बोलनी हो ना, कुछ भी अपने बारे में बोलना हो, past form को बताना हो तो आप कर सकते हो। When the winter came, जब सर्दी आई, the grasshopper found itself dying of hunger, die of hunger होता है, देखिए यहाँ लिखा ना die of hunger, ये भी एक तरीके phrasal verb है, ये आप क्लोज टेस्ट में हेल्पफुल रहते हैं। मैंने स्टोरी पढ़ पढ़ के तो पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया अपनी इंग्लिश को। द ग्रास ऊपर फाउंड इट सेल्फ डाइंग ऑफ हंगर वाइल इट सॉ द आंट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग, अब जबकि ये देख रहा था आंट्स क्या कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग एवरी डे डेली कॉर्न एंड ग्रेन, अपने स्टोर से निकाल के खा पी रही हैं, मजे कर रहे हैं, दे हैड कलेक्टेड समर।
तो ये फिर से आगे दे हैड कलेक्टेड पास्ट परफेक्ट, ठीक है, जो उन्होंने किया था मतलब शुरू किया और चलता गया, दैट इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट में किया और पास्ट में चलता रहा, दे हैड कलेक्टेड, ठीक है, ये है टेंस। देन द ग्रास ऊपर न्यू, अब उसके बाद उसे पता चला, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही, पूरी स्टोरी जो है। अब इससे हमें क्या पता चला, वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट टुमोरो। ये स्टोरी बहुत अच्छी लेके आया मैं इसलिए आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल कर नहीं रहे हो, लेजी बने हुए हो, तो आज कर लो मेहनत ताकि आप कल को इंस्पेक्टर बन सको और मेरे साथ काम कर सको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट ऑप्शन करते हैं हम क्लोज टेस्ट। ये हमारी खासियत है कि यहाँ पर हमारा दिमाग जो है काम करना चाहिए पेपर में भी, ऑप्शन तो हमें जस्ट हेल्प करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मैनी गोस्ट स्टोरीज, आपने बहुत भूत की स्टोरी सुनी, बट हैव यू हर्ड ऑफ दिस डैश फ्रॉम जापान, दिस वन फ्रॉम जापान, जब भी हम कुछ ऐसे बोलते हैं दिस वन फ्रॉम जापान, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वन फ्रॉम जापान, लाइक दैट, द स्टोरी डैश लाइक दिस, स्टोरी गोज लाइक दिस, अगर आप ना रीडिंग कर रखी है ना आप इसे समझते जाएंगे, द स्टोरी गोज लाइक दिस, ऐसा बोलने में आता है, ठीक है, मेरे अपने अंदर से ही आ रहा बोलने, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कहीं और इसको सोचने की, ऑप्शन देखने की। वन मूनलिट नाइट अ मैन वॉज वॉकिंग होम अलोंग द रिवर, डैश ही सो अ वुमेन क्राइंग ऑन द ब्रिज, वैन ही सो, जब वो जा रहा था तब, जब उसने जा रहा था, वैन ही सो अ वुमेन क्राइंग ऑन द ब्रिज, ही कुड नॉट सी हर फेस बिकॉज शी वॉज सिटिंग विद हर बैक, विद हर बैक क्या, टूवर्ड्स हिम या टू हिम, ठीक है, ये होगा। हाउ एवर ही कुड सी दैट शी वॉज क्राइंग हिस्टेरिकली, मतलब बहुत तेज तेज रोना, तो बहुत मतलब वेरी, ही वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग वेरी हिस्टेरिकली, या फिर सो हिस्टेरिकली, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, दैट शी वॉज क्राइंग सो हिस्टेरिकली दैट हर होल बॉडी वॉज शेकिंग, द मैन फेल्ट डैश फॉर हर, उसको क्या लगा, बुरा, बुरा लगने को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, मैन फेल्ट बैड फॉर हर और सॉरी फॉर हर, सॉरी, ठीक है, मैन फेल्ट सॉरी फॉर हर, When he went forward to console her or comfort her, she suddenly, क्या हो जाएगा एकदम से, वो मुड़ गई, turned around, she suddenly turned around, कुछ तो आपके दिमाग में भी बत्ती जलेगी बेटा, करते जाओ, कुछ तो आपको भी आएगा, देख रहा हूँ मैं, तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा, पर जैसे जैसे कुछ इसमें से 15 में से 3-4 तुम्हें भी आते हैं बिना ऑप्शन के, क्योंकि तुम भी थोड़े से तो पढ़ चुके हो SSC में। To his horror, the man saw that she had no eyes, no nose and no mouth. डैश हर फेस, कहानी होंगे सारे ऑन हर फेस, ठीक है, डैश अ वाइल द मैन स्टूड फ्रोजन, फॉर अ वाइल होता है ना कुछ देर के लिए, तो ये आप समझ जाओगे जब प्रैक्टिस करते जाओगे। देन ही टर्न एंड रैन अवे एज डैश एज ही कुड, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज वो भाग सकता था, अंटिल ही रीच टू द नियरेस्ट इन, ठीक है, ये जब तक वो पहुंचा नहीं, वंस इनसाइड, अंदर जाने के बाद ही बिगेन टू स्टैमर आउट, वो उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, व्हाट ही हैड सीन, फॉर ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, ट्रेम्बल विद होता है, ठीक है, ट्रेम्बल विद, डर के मारे कपकपाना, द प्रोप्राइटर ऑफ द इन, इन मतलब होटल, प्रोप्राइटर ऑफ द इन हु हैड बीन बेंडिंग, बेंड किस तरफ होगा, नीचे, बेंडिंग डाउन, हु हैड बीन बेंडिंग डाउनवर्ड टू क्लीन द टेबल्स, स्ट्रेटेंड स्ट्रेट अप हो जाना, खड़े हो जाना, स्ट्रेटेंड अप, बेंड डाउन स्ट्रेट अप, ठीक है, सिंपल है यार, प्रैक्टिस से आएंगे आपको भी। एंड आस्क्ड हिम डिड शी लुक, कैसी दिखेगी, लुक लाइक दिस, जैसे उसने अपना मुंह दिखाया था उसका मुंह भी वैसा ही था, अंडे जैसा, तो मतलब मैन की क्या हो गई, टर्न डाई फेस, द मैन फेंटेड, बेहोश हो गया वो। चलो आपको समझ आया, कुछ काम की चीज़ है यार, आंखें दर्द कर जाती है, दिन भर काम करो फिर आपके लिए करो, क्या बनता है एक लाइक, ठीक है, और कमेंट, कमेंट करने से क्या होगा, आपके कमेंट से पब्लिक को पता चलेगा, क्योंकि आप तो पूरी देख रहे हो, आधे लोग आते हैं थोड़ी सी देखते हैं और भाग जाते हैं, क्योंकि शुरू में शेर व शायरी अभी मैंने सीखी नहीं है, ठीक है, शेर व शायरी वाले की पूरी वीडियो देखते हैं लोग। आगे चलते हैं, पीपल आर लाइक पोटैटोज, लोग कैसे हैं, आलू जैसे हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, PQRS आते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे सर 15-15 करा दो, अरे मेरे भाई 15-15 तो मैं करा दूँ, 15-15 देखने वाले तो बनो, उतने कमेंट तो होने चाहिए कि आप 15 वाले हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर पोटैटोज़
have been shorted and bagged that they are loaded onto trucks. People are like potato, it is only after. मतलब किसकी याद हो रही है, पोटैटो की, पोटैटो शॉर्ट करे गए और बैग में डाले, फिर उसके बाद ट्रक में डाले, ठीक है। तो अब मतलब ये तो ऐसा नहीं हो रहा कि लोगों को ही डाल दिया हो, मतलब ये यहाँ से कहीं रिलेट नहीं कर रहा इससे। आफ्टर पोटैटोज हैव बीन हार्वेस्टेड दे आर हैव टू मैक्सिम स्प्रेड आउट एंड शॉर्ट। पोटैटो यहाँ से शुरू हो सकता है बेशक, पोटैटो को खेती करी गई पहले, उसके बाद उन्हें फैलाया, उसके बाद उन्हें शॉर्ट करा ताकि मैक्सिमम मार्केट डॉलर मिल सके, यहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है। दिस इज द मेथड दैट ऑल पोटैटो फार्मर यूज बट वन, दे आर डिवाइड अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ये आ सकता है, देखिए, क्योंकि शॉर्ट करने के बाद उन्हें कैसे करेंगे डिवाइड, साइज में, शॉर्टिंग उनकी साइज में करेंगे, तो ये हो सकता है क्यू एस। क्यू एस कहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, मतलब ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, दिस इज द मेथड दैट ऑल फार्मर यूज बट वन, इट इज ओनली आउट। देखिए उसके बाद उन्हें ऐसा करने के बाद उन्हें ट्रक में लादा जाएगा, फिर मेथड होगा ये वाला, ऑल बट वन। अब वन पे खत्म हुआ, वन फार्मर नेवर बॉदर टू शॉर्ट द पोटैटो, ठीक है। अब यहीं से ये शुरू होगा, मतलब सबने तो ऐसा कर लिया बट एक ने नहीं करा, फिर वही एक की बात हो रही है कि उसने ऐसा करा ही नहीं, तो मतलब यहाँ ख़त्म हो रहा है ये, तो ये वाली लाइन तब शुरू हुई, मतलब यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी कि ये इसके बाद आएगा, तो ऐसे ही हमें करना है, मतलब कनेक्शंस बैठाने हैं, कनेक्शंस चलते जाने चाहिए। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, आर पे कौन सा ख़त्म हो रहा है, यही वाला, तो यही आंसर होगा। हालांकि पीछे से देखते ना, कभी कभी मैं ऐसे भी करता हूँ, जल्दी में होता हूँ तो पीछे से देख लेता हूँ, पीछे से जल्दी बन रहे होते हैं, तो पीछे में देखोगे तो ऑप्शन ये दो है, ऐसे तो ख़त्म हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये इससे ख़त्म हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, और लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। दे टू हेड, मतलब दे किसकी बात हो रही है, काफ़ी लोगों की, तो मतलब यहाँ तो नहीं होगा, फर्स्ट से नहीं है। व्हेन वी फेस, हमारी भी बात में नहीं हो रही, ठीक है, अभी ये हमारी हो सकती है। व्हेन वी फेस फेलियर्स वी आर ऑफन डिसहार्टेड, ये हो सकता है। फिर दे से आ गया, तो मतलब ये भी नहीं होगा। द लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायर अस, अब मतलब ये पता चल गया हमें, ग्रेट मैन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसके बाद ही आएगा ये दे, या तो दे टू हेड प्रॉब्लम, उसके बाद दे फॉट, मतलब एक चीज़ समझ आ गई, एस पी आर, ये लिंक बन रहा है एस पी आर। अब एस पी आर किस में है वो देख लेंगे, यहाँ है, ठीक है। अब देखो दोबारा से देख लेते हैं, एस से शुरू होगा द लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, या क्यू से, क्यू से होगा तो क्यू एस पी आर भी ऑप्शन में, भाई ये टफ हो गया आपके लिए अब, ठीक है। When we, our life is full of ups and downs. When we face failure, we are often disheartened. ठीक है, अब by following them we come. अब देखिए disheartened हो गए, failure की बात हो रही है, और हम failure को क्या कर रहे हैं, crisis को overcome. मतलब ये वाला last में आएगा क्यों, तो ये answer हो गया। मैंने कैसे पता लगाया कि failure यहाँ आ रहा है, और failure crisis की यहाँ बात हो रही है, overcome कर रहे हैं failure को। अगर यहाँ failure लिख देते ना, तो आप में से ज़्यादातर कर लेते, यहाँ इसी का synonym लिखा है। आगे बढ़ते, समझते जाओ बस। वेजिटेरियन प्रमोट अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, वेजिटेरियन नेचुरल वे प्रमोट करता है, ठीक है। डिस्पाइस इट्स मैसेज, वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल इज नेचुरल एंड हेल्दी, इट इज़ बेस्ट कल्टिवेट, दिस मे बी बिकॉज इट इज़ इनवर्ड लुकिंग मेथड। अब देखिए ये किसी आर्गूमेंट को कर रहा है, दिस मे बी बिकॉज इट इज़ एंड ऐसे करके, और यहाँ पर आर्गूमेंट हो भी रहा है, डिस्पाइस इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉर्मल वायलेंस इट हैज़ नॉट स्प्रेड इट, ठीक है। अब मतलब ये है कि यहाँ पर ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है, दिस मे बी, इसका रीजन भी दे रहा है, इनवर्ड लुकिंग, तो वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल नेचुरल हेल्दी होती है, इट इज़ बेस्ट कल्टिवेटेड इन माइंड, तो ये वाला यहाँ से शुरू होगा, क्यू से, क्यू से कौन कौन से हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, क्यू के बाद क्या आएगा, एस, तो क्या हो जाएगा, ए। डिस्पाइट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव एंड नॉर्मल, दिस मे बी बिकॉज इट इज एन इनवर्ड, फिर इट इज़ बेस्ट कल्टिवेटेड वेजिटेरियन लाइफ नेचुरल हेल्दी, फिर फूड एंड हेल्थ आ गया यहाँ के बाद, तो ये लास्ट वाला फर्स्ट से रिलेट भी हो रहा है। आगे चलते हैं, देखिए अब हो रहा है सर में दर्द, तो ये वाला करके करेंगे इसको ख़त्म, ठीक है। वीडियो को, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना शेयर और वीडियो करना लाइक। इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन राइट, अशोका वाज एन ऑटोक्रेट, पहले अशोका क्या था, ऑटोक्रेट था, वो अपनी नहीं चलाता था, ऑटोक्रेट आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो द इफेक्ट ओवर द स्लॉटर ऑफ हिज माइंड, ये नहीं आएगा, ही वाज सक्सेसफुल बट थाउजेंड वर स्लेन, इसके बाद आ सकता है ये, सिलेन के बाद स्लॉटर आ रहा है ना, पहले मर गए पर उसके बाद उसके माइंड पे इफेक्ट हुआ, दिस कॉज अ सडन चेंज ऑफ हार्ट, फिर उसके बाद ये आ सकता है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज रेन अशोका, अबाउट द नाइन्थ ईयर आ गया ना, फिर ईयर के बाद ईयर का कॉम्बिनेशन बैठ गया, अबाउट द नाइन्थ ईयर डिसाइड टू कंक्वर कलिंगा, पहले उसने कलिंगा के कब्जा करने की कोशिश करी, ये करेक्शंस बैठ रहे हैं, उसके बाद इफेक्ट, उसके बाद सक्सेसफुल हुआ वो इसी युद्ध में,
मतलब पहले आर फिर क्यू, दो आ गए भाई आर क्यू, आगे तक करेंगे फिर इफेक्ट आ गया उसी का, आर क्यू पी एस डी आ जाएगा, दिस कॉज सडन ही ज्वाइन बुद्धिस्ट, तब तो बुद्धिस्ट ज्वाइन करेगा ना, तो इसके बाद हम कर देंगे इसको फिनिश चैप्टर। हमने अच्छे से तीन टॉपिक देख लिए कल की तरह, सिलेबस सेक्शन टू जो मेंस में आना, देखिए उसमें साफ साफ दे रखा है भाई क्या होगा यहाँ पर, हम पागल नहीं है क्या कर रहे, स्टोरी से आएगा या किसी बुक से आएगा, दूसरा करंट अफेयर से आएगा, रिपोर्ट से आएगा, कल दूसरा पैसेज करेंगे तो इसी टाइप से करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, ठीक है। ये सारे आपके सिलेबस में है जो हम कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, थैंक यू सो मच।